स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। तो चलिए जान लेते हैं देश भर के सभी राज्यों में अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। दोस्तों कहां ओले गिरने वाले हैं और कहां शीतलहर चलने की संभावना है, और दोस्तों मौसम विभाग ने आंधी तूफान को लेकर कहां अलर्ट जारी किया है। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम का हाल कैसा है। और दोस्तों सबसे पहले आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बताने उत्तर प्रदेश यानी दिल्ली, यूपी और पंजाब में बारिश की संभावना, पहाड़ों पर जारी रहेगा हिमपात, आईएमडी का ताजा अपडेट। दोस्तों माना जा रहा है कि उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान एक जगह पर हल्के से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी पोच के सक्रिय होने के कारण आज आकाश में बादल छाए रहेंगे, कई इलाकों में हल्की बारिश होगी या गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट होगी, लेकिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। दोस्तों दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार यानी मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दोस्तों आज आकाश में आशंक रूप से बादल छाए रहेंगे, ठंड से रात बने रहने की संभावना है। आपको बता दें कि इस दौरान आज कई इलाकों में हल्की बारिश होगी और गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। यूपी बिहार में कैसा रहेगा मौसम, आपको बता दें कि वहीं यूपी में आज फिलहाल ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि आईएमडी ने यूपी को 2 दर्जन से अधिक जिलों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मौसम के विभाग के अनुसार आज यूपी में कई जिलों में अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से, इसके अलावा न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आपको बता दें भाई मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 31 जनवरी को उत्तर बिहार में बादल गरज सकते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हिमपात की संभावना, यानी मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश और हिमपात की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान यानी जम्मू संभाग में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और जम्मू संभाग के हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना। आपको बता दें कि हिमालय पर्वतों पर बर्फबारी की संभावना, बता दें कि आज और कल पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी भारत में आज और कल 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की सतही हवा चलने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान देश में बाकी हिस्सों में तापमान बढ़ने की संभावना है। इन राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, दोस्तों माना जा रहा है कि मौसम विभाग के अनुसार देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटों में मौसम बदलेगा। दोस्तों गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्व राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश होने के आसार है। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में चिटपुट स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।